गाइस अगर तुम वायर्ड गेमिंग कंट्रोलर परचेस करने मार्केट जाते हो ना, तो वहां पर तुम्हें क्वांटम के, QHMPL के एंड ज़ेब्रोनिक्स के एंड और भी काफी सारे ब्रांड्स के वायर्ड गेमिंग कंट्रोलर मिल जाते हैं। बट ओवरऑल उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी पुअर होती है एंड उनके साथ गेमिंग करने में भी इतना मजा नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ 200 रुपीज के अंदर एक ऐसा गेमिंग कंट्रोलर सजेस्ट करूंगा जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड इसके साथ तुम्हें गेमिंग करने में भी काफी मजा आएगा। तो भाई ये PS2 का कंट्रोलर तुम अपने PC के लिए परचेस कर सकते हो। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं इस कंट्रोलर को ना सेम इस कंट्रोलर को 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ एंड अभी तक ये कंट्रोलर एज इट इज वर्क कर रहा है। इवन जो इसकी बटन्स की क्वालिटी है ना, मेरे इस वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर से भी बेटर है। तो इस कंट्रोलर को तुम परचेस कर सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ ये जो कंट्रोलर है ना, इसके साथ जो कनेक्टर आता है वो तुम डायरेक्टली PC में नहीं लगा सकते हो, बट भाई ये वाला हब तुम परचेस कर सकते हो, ये वाला कनेक्टर तुम परचेस कर सकते हो जो कि अगेन तुम्हें 200 रुपीज का ही मिलेगा एंड ओवरऑल जो इन दोनों की प्राइस हो जाती है ना वो 400 रुपीज के आसपास हो जाती है।